अंबाला डिवीजन में पहली खातून SHO सब इंस्पेक्टर तैयबा हामी डिवीजन में सबसे पहली खातून SHO होने का एजाज। पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान हवा से बिजली बनाने का मुआहदा तय पा गया। फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत की जड़ें कट गई, अब एक झटके से खत्म हो जाएगी। वजीर आजम का कहना है कि फजल रहमान ने मार्च के दौरान मजहब कार्ड इस्तेमाल किया। आरिफ हामिद भाई की इमरान खान को धमकी, खान साहब हमें न छेड़े वरना जब हम बोल पड़ेंगे तो रिहाम खान की किताब बहुत पीछे रह जाएगी। भारतीय भेड़िया का मग फाइटर जेट गोवा में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया और भारतीय पायलट ने बड़े मुश्किल से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। फिरदौस आशिक एवान कितनी तनख्वाह और मरात लेती हैं, तफसील सामने आ गई। महाना 4,06,000 रुपए अदा किए जाते हैं और साथ ही सरकारी घराना अलर्ट होने पर महाना 93,700 रुपए अदा किए जाते हैं। जुनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में पहली मर्तबा एक हम जेंस पुरुष खातून को मेयर मुंतखब किया गया। थाईलैंड की मलका मैक्सिमा रमामा के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेंगी। अमेरिका में तालिबान ने इसराइली सफीर का बायकॉट कर दिया। बिलावल भुट्टो का दावा, अगले साल तक हमारा नया वजीर आजम होगा। वजीर आजम इमरान खान का कहना है शरीफ खानदान अदालत से रिलीफ लेना चाहे तो कोई एतराज नहीं। जुनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में पहली मर्तबा एक हम जेंस परस्त खातून को मेयर मुंतखब किया गया। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया। नेशनल गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट बहन भाई नेशनल गेम्स पिशावर में अपने खिताब की जानिब बढ़ रहे हैं। इन गेम्स में खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए और अपने अनफरादी रिकॉर्ड्स में बेहतरी के साथ साथ नेशनल रिकॉर्ड्स भी कायम किए। स्पेन में दो नकाबपोश मुसलह अफराद ने मस्जिद पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में मस्जिद के इमारत को नुकसान पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया एयरलाइन ने तवील तरीन परवाज का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। पिंगोलिन के गैर कानूनी शिकार से कोरे अर्ज को किन जानदारों से नुकसान होगा। दुनिया भर में पिंगोलिन के गोश्त और अद्वियात और ब्लड प्रूफ जैक में इसकी खाल पर मौजूद छिलकों के इस्तेमाल की वजह से बेदर्दी के साथ मारने के रुझान में इजाफा हो रहा है।